वेलकम बैक टू देवास बैचलर किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है तड़का दाल, जिसके लिए हमने पहले से ही चना दाल भिगो के रखा था। इसमें हमें नमक और हल्दी डाल देनी है और साथ ही हम इसमें मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर लेंगे, जिससे चने दाल जो है वो बाहर ना आए। अब हम इसमें लिड कवर कर देंगे और दो सीटी आने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। दो सीटी लग जाने के बाद देख सकते हैं दाल पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसे ज़्यादा सीटी ना लगाएं, नहीं तो गल जाने के बाद टेस्ट नहीं आएगा। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ ही साथ हम अब अलग से मसाले तैयार कर लेंगे, जिसमें हम थोड़ी हरी मिर्च, लहसुन, प्याज को अच्छे से बारीकी से कूट लेना है। कूटे हुए मसाले में एक अलग टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई करें कूटे हुए मसाले का ही। अब हमने गर्म तेल में प्याज डाल दिया है और प्याज को अच्छे तरह से भून लेना है ब्राउन होने तक कम से कम। जैसे आप देख रहे हैं प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसे में कूटे हुए मसाले डाल देंगे। कूटे हुए मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे उसका कच्चापन खत्म हो जाए। और साथ ही हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है, जैसे टमाटर पूरी तरह से गल जाए। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें थोड़े थोड़े हम सूखे मसाले डालेंगे जो आपके पास हो, नहीं तो आप इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे हमने थोड़ा सब्जी मसाला डाल दिया। अब हमने इसमें थोड़ा सा मीट मसाला ऐड कर दिया है। मीट मसाला में थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, तो आप जरूर ट्राई करें। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। पूरी तरह से इसे मिक्स कर देना है मसालों को और प्याज के टमाटर के साथ में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्याज और टमाटर पूरी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें उबले हुए दाल डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इसे पकाना है धीमी आंच पे। ये धीरे धीरे ये पक जाए तो अगर आपके पास मेथी पत्ते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं और स्वाद अनुसार आप इसे रोटी के साथ परोस सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।